गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड मस्ती ब्लॉग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लग रहा है ना यम्मी, बहुत ही प्यारा लुक, टेस्ट बहुत ही मस्त। तो ये मछली की रेसिपी नहीं है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने मछली नहीं बनाया हुआ है। आप लोग देख के हैरान ना होइए कि ये तो मछली ही है, कोई बात नहीं, इसे स्किप करो, बिल्कुल नहीं स्किप कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारी, बहुत यमी रेसिपी है, मछली की तरह ही बिल्कुल दिखने में लगेगा कि ये मछली है। इसका देख के कोई नहीं बता सकता है कि ये क्या है, खाने के बाद ही पता चलेगा कि जी ये तो मछली है ही नहीं। जी हाँ, आप मेहमान के आने के बाद इसे बना के खिलाइएगा ना, मेहमान को लगेगा कि मछली ही बना हुआ है, बट जब वो लोग खाएँगे तो उन लोगों को लगेगा कि नहीं, ये मछली नहीं है। जी हाँ, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से मैंने बनाया हुआ है और किस चीज़ का। तो ये सोयाबीन का बनाया हुआ है, जो कि पानी मैंने पहले गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे सोयाबीन और नमक। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे, जिससे कि हमारी सोयाबीन जो है बहुत बढ़िया तरीके से पक जाएगी, फूल जाएगी और उसमें हमारी रेडी हो जाएगी। तो हम उसको छान के निकाल लेंगे। ये रेसिपी बहुत प्यारी है, वीडियो बिना स्किप किए हुए आप सब देखिएगा। तो हमारी सोयाबीन निकल जाएगी, तो हम इसे 2 से 3 पानी ठंडी पानी में धो लेंगे और धो के इसे छान लेंगे। छानने के बाद आप देख सकते हैं, ये पानी जो है हम फेंक देंगे और इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे, ताकि जो हमारी सोयाबीन है बहुत अच्छे से पूरी ठंडी हो जाए। अब इसकी सारी पानी निचोड़ के हम मिक्सर की जार में डाल देंगे इसको ग्राइंड करने के लिए। जी हाँ, ग्राइंड करने के बाद हमें इसमें क्या मिक्स करना है, किस तरीके से बनाना है, पूरी की पूरी रेसिपी, पूरी की पूरी प्रोसेस मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और इस रेसिपी को आसानी से आप सब बना सके। बहुत ही प्यारी ये रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मैंने मिक्सर के जार में इसे पीस के रेडी कर लिया हुआ है। तो फिर हम बाकी की जो बची हुई है उसको दोबारा पीस लेंगे और पीस के रेडी कर लेंगे। इसके साथ हम डाल देंगे जो हरी मिर्च, 3 छोटी इलायची और 3 से 4 लौंग। हरी मिर्च जो है अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, जितना हमारी सोयाबीन होगी, और लहसुन और छोटे से अदरक का टुकड़ा। लहसुन का एक जावा लिया हुआ है मैंने, इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बाकी सब भी इसी में एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें क्या डालने हैं उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी सीक्रेट जाएगी, तो आप इसे बखूबी बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये मैंने बेसन लिया हुआ है, जो कि बेसन हमारा 200 ग्राम है, और मैंने 100 ग्राम लिया हुआ है मैदा। जी हाँ, बेसन और मैदा। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालने हैं, बिना पानी के हमें मिक्स करने, क्योंकि हमारी सोयाबीन पहले ही फूल चुकी है और बहुत ही अच्छे से मुलायम हो चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। तो इसे हम अभी कुछ नहीं करना है, अब इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही मिक्स करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो जाएगा रेडी। तो हम इस तरीके से इसे रेडी कर लेंगे बिना पानी के, आप देख सकते हैं। तो आप सब भी इसी तरीके से रेडी कीजिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा। इसे 2 से 3 भाग में आपका जितना होगा उस तरीके से आप इसे छोटा छोटा जो है इसका लोई के तरह से तैयार कर लीजिएगा, और हाथों पे रख के थोड़ी सी चिपटा कर देना है। चिपटा करने के बाद ये देखिए मैंने पाइप लिया हुआ है, आप गोल कोई भी चीज़ ले सकते हैं, पाइप हो या पेन हो या कोई गोल अगर लकड़ी है जो कि पाइप की तरह की होती है, इस तरीके से लेके आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से इसे किया हुआ है। तो हम इसको पाइप को अंदर डाल देंगे और डाल के इस तरीके से ऊपर से ये कोटिंग कर देंगे। करने के बाद हम इसे अच्छे से दबा देंगे, ताकि ये जो हमारी पोर्शन है फटे नहीं और अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से एकदम चिकना हो गया है। तो अब इसको हम जब रेडी हो जाएगा तो धीरे धीरे आराम से इसको निकाल लेंगे, जहाँ भी हमारी टूटेगी फटेगी उसे हम अच्छे से फिर चिपका देंगे और इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बीच में होल होगी, और इस होल के बाद हम जब इसे कटिंग करेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी मछली के पीसेज की तरह कट होगी। तो हमें इस तरीके से इसे कटिंग नहीं करने हैं अभी, इसके बाद भी हमें इसके बहुत सारे प्रोसेस है जिसको पूरे करने हैं, उसके बाद ये हमारी मछली की तरह तैयार होगी। उसके बाद हम इसे ग्रेवी में बनाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम इसे
मछली की तरह आकार देने के लिए अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। ये रेसिपी बहुत ही प्यारी है, आप ये रेसिपी उन सभी लोगों तक पहुंचाइएगा जो लोग मछली नहीं खाते हैं। जी हाँ, जो लोग मछली नहीं खाते हैं उन तक ये रेसिपी ज़रूर पहुँचाइएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे नए फ्रेंड हैं तो। तो देखिए, पानी हम जो है एक तरफ रख देंगे और पानी जो हमारी बहुत जब अच्छे से उबल जाएगी तो हमने जो इस तरीके का सांचा बनाया हुआ है इसको हम इसमें डाल देंगे। पानी हमारी बहुत अच्छे से उबलनी चाहिए तभी हम इसको डालेंगे। तो हमारी वो पानी डालने के बाद वो उबल रही है, हम उसे साइड में रखते हैं और मसाले को रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने प्याज अदरक लहसुन लिया हुआ है जिसका फाइन पेस्ट जो है अच्छे से बना लिया हुआ है। तो हमारी इसे 5 से 6 मिनट तो आराम से लग ही जाती है उबलने में, तो हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक कि हमारी ये अच्छे से पक ना जाए। तब तक हम टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। टमाटर हम पतले पतले पीसेस में 2 टमाटर लिए हैं जिसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी अभी थोड़ी सी बाकी थी फाइनल उबल चुकी है और इसे हमने छान के निकाल लिए। अब हम मसाला रेडी करते हैं। मसाले में सबसे पहले तड़का लगाएंगे। तड़के में मैंने साबुत जीरा, 2 लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ते लिए हुए हैं। तो लाल हो चुकी है, टमाटर डाल दिए। टमाटर हमारी टमाटर के साथ नमक जाएगी, मैंने ये हर बार बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से टमाटर भी हमारी घुल के रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमने जो पीस के मसाला जो रेडी किया हुआ था प्याज अदरक लहसुन इसको हम डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जो कि 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिए हुए हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मरीच पाउडर और 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इस मसाले को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी मसाले से तेल बाहर ना जाए। तो अब हम इस पीसेज को कट कैसे किए हैं आपको बता दे रहे हैं। हम आराम से किसी भी बर्तन पर या कि फर्श पर रख लेंगे। रखने के बाद चाकू की मदद से हम इसे अच्छे तरीके से छोटे छोटे और मोटे मोटे जो है इसके पीसेज कट कर लेंगे। हमें ज़्यादा मोटे इसके पीसेज नहीं कट करने हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से पीसेज आप कट कीजिएगा तो बिल्कुल मछली के शेप की आएगी। अब इसे हम फ्राई भी करेंगे। फ्राई किस तरीके से करेंगे सो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। तो एक तरफ मैंने रिफाइन ऑयल लिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। मसाला हमारी दूसरी तरफ पक रही है। मसाले को हम भूनने देंगे, बीच बीच में उसे हल्की हल्की पानी के साथ चलाते रहेंगे ताकि मसाला हमारे तले में चिपके नहीं। और दूसरी तरफ हम जो हमारी मछली की पीसेज है इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो फ्राई जो है हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। हाई फ्लेम और सिम फ्लेम नहीं रखना है, हमें मीडियम फ्लेम रखना है और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए इसे हम क्रंची फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमें बहुत अच्छे से करना है ताकि एकदम कुरकुरे और क्रंची हो, जिस तरीके से हमारी मछली होती है ना उसी तरीके से। ये रेसिपी बहुत ही प्यारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग भी आपके फैमिली में दोस्त हो उन लोगों के पास ये रेसिपी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमारी कितने अच्छे से मछली फ्राई हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही यम्मी लग रही है, माशाल्लाह। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर बाकी की जो भी है हम इसे उसी तरीके से फ्राई करके और निकाल लेंगे। इसके बाद हम अपने मसाले को चेक करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो मसाला हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल बहुत अच्छे से बाहर आ गया है। मसाले को हम अच्छे से 1 से 2 मिनट खुले करके पका लेंगे, भून लेंगे हाई फ्लेम पे ताकि और अच्छे तरीके से मसाले हमारे फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग रखेंगे जितनी की हमें ग्रेवी रखनी है, तो आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग अपनी पानी डाल दीजिएगा। मैंने अपना सेट कर चुका है। तो पानी जब खौल जाएगी तो हम इसमें डालेंगे अपने मछली के पीसेस। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है, बहुत ही यमी लग रहा है देखने के बाद और टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। तो हमारी जब एक उबाल आ जाए ना ग्रेवी में तो हम इसमें मछली की पीसेस डालेंगे। जी हाँ, सोयाबीन की मछली। तो सोयाबीन की मछली जो है हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद क्या करनी है सो आप देखिए। इसके बाद इसमें जाएगी एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट, आ गई सीक्रेट की बारी। हमने इसमें 1 टीस्पून जो है गरम मसाला लिया हुआ है। गरम मसाला मैंने मार्केट वाला पैकेट जो था ना उसका 1 टीस्पून डाला हुआ है। तो आप 1-1.5 टीस्पून आपको जितना डालना हो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे धनिया हरी हरी पत्ती और फिर हमारी
2 मिनट हम उसे चूल्हे पर रखेंगे और फिर हमारी रेडी हो जाएगी। हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से, तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही यमी। देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये मछली नहीं है। जी हाँ, जिसके पास भी आप दीजिएगा, जिसको भी खिलाइएगा, सब लोग यही कहेंगे कि ये तो मछली है। बट खाने के बाद समझ में आएगी कि ये तो मछली है ही नहीं, ये तो सोयाबीन मछली है। जी हाँ, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। आप सब इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। अपना प्यार और दुलार देना मुझे नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए सब्बा खैर, मिलूँगी फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।